आप सभी लोग का स्वागत है जीटेक स्टूडेंट के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग पावर पॉइंट की होम मेनू के बारे में समझेंगे, होम मेनू के सभी कमांड को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करना है, तो जो सबसे इजी तरीका होता है पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए, जो मैं आप लोग को भी हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप यही तरीका यूज करिए, उसके लिए विंडो बटन प्लस आर आपका रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए पावर PNT इंटर करिए, ठीक है। इस चीज़ें हमने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया था। अब करना क्या है, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, या आप कीबोर्ड से इंटर का बटन दबा दीजिए। आपके स्क्रीन के सामने देखिए पावर पॉइंट ओपन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ ही सेकेंड में आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले आपके इनके सामने देखिए विंडो आपका पावर पॉइंट का दिख रहा है, या आपका फर्स्ट पेज यानी कि फर्स्ट इंट्रो आपका सबसे पहला जो आपका विंडो है इसी तरीके से ओपन होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये थोड़ा सा चेंजेस है, यानी कि आपका वर्ड में अलग था, एक्सेल में अलग था, तो पावर पॉइंट में भी विंडो अलग मिलेगा। मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो में सारे चीज़ें क्लियर कर दिया था, सब कुछ बताया था। तो हम लोग आज की जो क्लासेज है हमारा होम मेनू के बारे में, तो होम मेनू में देखिए अधिकतर आप सभी लोगों ने कमांड तो पढ़ी लिया है, लेकिन आज हम लोग फिर भी इसको एक रिवाइज को लेकर चलेंगे। एक बार मोटी मोटा आप लोग को बता दें यहाँ पे, ये देखिए ये आपका वर्किंग एरिया होता है, इसको हम लोग वर्किंग एरिया करते हैं। ये हमारा होता है स्लाइड होता है, इसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं, यानी कि हम इतने जितने भी काम करेंगे यहाँ पे स्लाइड लेंगे और नी स्लाइड को हम लोग चलाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें हमें करना क्या है, देखिए हम यहाँ पे देखिए आपका ग्रुप देखते हैं होम मेनू के बारे में। तो क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग, ये सभी क्या है, हमारे ग्रुप हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये जो वर्किंग एरिया है इसी पे हम लोग काम करते हैं, और हमें जितना ही एक स्लाइड लेना है, इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्लाइड बनता हुआ चला जाएगा। तो अभी हम लोग बेसिक सीखेंगे, अभी स्लाइड पूरा एक इंट्रो कैसे एक पूरा हम लोग स्लाइडिंग प्रेजेंटेशन बनाने का काम करेंगे, आगे की वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर, सबको आपको पता ही है इन सभी के बारे में, लेकिन एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये वर्किंग एरिया पे यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका जो पहला जो स्लाइड होता है, यहाँ पे देखिए क्लिक एड टाइटल। तो सपोज जैसे मैं मान लीजिए कि मुझे एक प्रेजेंटेशन जो बनानी है, हमें किसी एक पे प्रेजेंटेशन बनाना है, तो सपोज हम बना लेते हैं किसी भी एक आपका अपना माई व्यू करके हम एक देखिए मैं करता हूँ, ठीक है। एक हमने मतलब अपने के व्यू कुछ हमने एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि अब इसके डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, मैंने अपना नाम लिख दिया कि माय नेम इज रवि, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका देखिए हमने इस तरीके से हमने एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एक आपका तैयार हो गया कुछ टेक्स्ट है। अब करना क्या है यहाँ पे, कट कॉपी पेस्ट। तो कट का मतलब है कि एक जगह से मैटर को उठाकर कहीं दूसरे जगह पे ले जाना, कॉपी का मतलब होता है एक कॉपी को दूसरी प्रति बनाना। तो ये आप कट कॉपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कॉपी। तो कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सपोज मान लीजिए कि ये मैंने जो लिखा हुआ है माय नेम इज रवि, इसी की दूसरी कॉपी बनाना है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। या आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाएंगे तो भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा पूरा। अब इसको हम करेंगे कॉपी, कॉपी करना है या कट करना है जो भी है, तो हम कॉपी करते हैं। तो देखिए कॉपी करेंगे तो यह कॉपी हो गया। अब हमें कहाँ पे रखना है यह इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हमारा कर्सर ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, और मैं इसको नीचे कर देता हूँ इंटर से, देखिए हमारा कर्सर नीचे आ गया। मैं यहीं पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, देखिए पेस्ट करते ही ये हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यह इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कॉपी का। अब यहाँ पर अब कट की बात करते हैं, देखिए मैं सिलेक्ट कर लिया डबल क्लिक करके,
कट करते हैं या गायब हो गया। अब हमें कहाँ पे रखना है, सपोज मान लीजिए कहीं और पे ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, देखिए आपका इसके ऊपर आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका कट कॉपी भी हो गया। उसके बाद आपका फॉर्मेट प्रिंटर, तो फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट प्रिंटर में आपको जैसे कि पता है कि जब तक हमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं करने आएगा तब तक हम इसका फॉर्मेट प्रिंटर का यूज नहीं करें। तभी हम इस नॉर्मल एक टेक्स्ट लिखने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें तो हमने कोई फॉर्मेटिंग किया नहीं है। तो आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग लेने का काम करेंगे। तो अब आगे चलते हैं स्लाइड। स्लाइड में यानी कि देखिए ये जो स्लाइड है, ये पेज है, ये पेज का ही एक स्लाइड दिख रहा है। यहाँ पे अगर और भी सारे पेज लेना चाहते हैं, देखिए पेज का मतलब न्यू पेज का नहीं, यानी कि आपका यही स्लाइड एक ही पेज के अंतर्गत कई सारे पेज लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं। देखिए न्यू करेंगे आपका, देखिए एक और स्लाइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे लेआउट हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ से लेआउट में यानी किस तरीके से आप स्लाइड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्लैंक लेना चाहते हैं तो ब्लैंक भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए कोई भी, मैं इसको ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका कोई टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेबल, ग्राफ, चार्ट, इंडेंट, पिक्चर, ठीक है, क्लिप आर्ट, मीडिया क्लिप यानी वीडियो सब इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें भी देखिए आपका इस तरीके टाइटल है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए, और भी कोई इमेज, क्लिप आर्ट, मूवी मेकर, ये सारी चीज़ें अगर ऐड कराना तो ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ से आप स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो रीसेट की बात करते हैं। तो रीसेट में अगर हमने कोई अभी स्लाइड तो हमने बनाया ना, आगे हम लोग समझेंगे इसके जब हम लोग कोई स्लाइड पे जब काम करेंगे। देखिए अभी क्या है कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि रीसेट नहीं बता रहे हैं क्यों सर, तो देखिए रीसेट का मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज़ को फॉर्मेटिंग को पूरी तरीके से रीसेट कर देना। तो हमने क्या कभी कोई फॉर्मेटिंग कुछ किया नहीं है, तो हम जब एक पूरा एक स्लाइड बनाना सीखेंगे पूरे अच्छे से स्लाइड, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर इस स्लाइड को डिलीट करना है तो एक बार क्लिक करिए, डिलीट पे करेंगे डिलीट हो गया, या राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड पे करेंगे ये भी डिलीट हो गया। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। फॉन्ट में आते हैं आप, देखिए फॉन्ट में क्या है, फॉन्ट में भी सारे कमांड के बारे में आपको पता ही है। देखिए इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने नाम को, यहाँ पे बोल्ड करना है बोल्ड कर दिया, देखिए मोटा हो गया, ठीक है। इटालिक करना है टेढ़ा हो गया यानी तिरछा हो गया, देखिए तिरछा हो गया। उसके बाद हम अंडरलाइन करते हैं, देखिए नीचे अंडरलाइन आ गया। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो मैं पहले ये सब चीज़ें हटा लेता हूँ, इसको क्लिक करके हटा लिया। अब स्ट्राइक थ्रू करेंगे बीचों बीच में लाइन आ जाएगा, देखिए आ गया। इसको फिर हटाना चाहते हैं फिर स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर दीजिए, हट गया। तो उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे शैडो का है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देंगे, सिलेक्ट किया हुआ मैटर शैडो पे क्लिक करते ही देखिए शैडो बनकर तैयार हो गया, ठीक है। सिलेक्शन करके फिर से मैं शैडो हटा रहा हूँ, देखिए शैडो हटाया, हट गया, किया फिर लग गया आपका। तो इस तरीके से आप शैडो का काम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर स्पेसिंग। तो कैरेक्टर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर कैरेक्टर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दोनों सेम होता है क्या? तो देखिए कैरेक्टर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग में अंतर है। लाइन स्पेसिंग में आप दो तीन लाइनों के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक आपका अलग बन गया है कैरेक्टर स्पेसिंग। देखिए ऑलरेडी माय नेम इज रवि का जो ये पूरा कैरेक्टर है ये आपका देखिए सिलेक्ट है। अब कैरेक्टर स्पेसिंग में देखिए वेरी टाइट करेंगे, देखिए आपका एकदम टाइट हो गया, यानी टाइट होने का मतलब एकदम आपके आपस में चिपक चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसी में करता हूँ टाइट में, टाइट करेंगे तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये नॉर्मल पे हमेशा रहता है, नॉर्मल में भी कर सकते हैं, नॉर्मल में थोड़ा सा और स्पेसिंग मिल जाएगा। लूज करेंगे और ज़्यादा लूज हो गया, वेरी लूज और ज़्यादा लूज, ठीक है। अब यहाँ से मोर स्पेसिंग करके यहाँ पे सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं कितना करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैनुअली करने का काम हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल करके रख देता हूँ, देखिए नॉर्मल इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप फॉन्ट की स्टाइल यानी जो भी फॉन्ट है उसकी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके सभी कंप्यूटर में आप लोग के लैपटॉप पे अलग अलग स्टाइल होंगे, आप जो भी स्टाइल देना है वो स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको साइज करना है वो यहाँ से कर लीजिए।
उसके बाद देखिए इसको इंक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करिए, इसको डिक्रीज कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी जो भी आपने इस पर फॉर्मेटिंग लगाया वो क्लियर हो जाएगा, आपको पता ही है, इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चेंज केस, चेंज केस के भी आपको पता होगा, यानी कि आपका सेंटेंस केस करेंगे तो आपका, मैं देखिए यहाँ पे आपका कई सारे आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे बस आपका प्रैक्टिकली समझ लीजिए और थ्योरिकली। सेंटेंस केस में क्या होगा, आपका पूरे कैरेक्टर में से पहला जो कैरेक्टर होगा, पहले कैरेक्टर का पहला लेटर है वो क्या होगा, आपका कैपिटल लेटर में होगा। लोअर केस में क्या होगा, सारे लेटर आपके लोअर केस में स्मॉल केस लेटर में हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए सब कुछ स्मॉल में हो गया, आपका सेंटेंस केस में देखिए आपका पूरा कैपिटल लेटर का पूरा पहले पूरी लाइन की पहली जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में हो गया, अपर केस में सभी कैपिटल लेटर में हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ड के पहला लेटर कैपिटल लेटर में हो गया। टैगल केस में प्रत्येक लाइन में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लेटर में हो गया। तो हम यहाँ पे कर देते हैं सेंटेंस केस में, क्योंकि सेंटेंस केस में ही हमारा मैटर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है फॉन्ट के कलर, कलर क्या रखना चाहते हैं वो कलर रख लीजिए, तो जो भी कलर मैं देखिए रेड रख लेता हूँ, कलर रेड चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप फॉन्ट के सारे कमांड को अप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए पैराग्राफ की बात करते हैं, तो पैराग्राफ में आपको जैसे पता ही है बुलेट है, बुलेट लगा सकते हैं। तो बुलेट में मैं देखिए एक स्लाइड ले लेता हूँ, देखिए मैं इसको ले लिया और यहाँ पे देखिए बुलेट, जैसे मैं किसी का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दिया राम, इंटर किया, देखिए बुलेट ऑटोमेटिक लग गया क्योंकि यहाँ पे बुलेट पे क्लिक था। चलिए मैं नंबर पे क्लिक कर देता हूँ, अब नंबर पे लिखते हैं, जैसे राम इंटर किया, फिर श्याम इंटर किया, देखिए ऑटोमेटिक। देखिए थोड़ा सा तेजी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये रिवाइजिंग चल रही है, क्योंकि पिछली आपको वर्ड है में, एक्सेल में, नोट पैड में, वर्ड पैड में, सभी में मैंने इसके बारे में बता रखा था, ठीक है, सब बता रखा है। तो यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से चल रहा हूँ। अब आगे देखिए ये आपका इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट है और आपका डिक्रीज इंडेंट है। तो डिक्रीज में क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। देखिए इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंक्रीज ऑलरेडी है, डिक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप इंक्रीज करते हैं, देखिए इंक्रीज हो गया, डिक्रीज करते हैं डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है, तो ये आपका देखिए ऑलरेडी सेंटर में है, देखिए सेंटर पे आपका ब्लिंक कर रहा है, तो मैं लेफ्ट में कर देता हूँ, देखिए लेफ्ट में हो गया। राइट में करते हैं तो राइट में हो गया, सेंटर में करते हैं सेंटर में हो गया। ये जस्टिफाई है तो जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई के लिए आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट होने चाहिए जो दोनों साइड से लेबल कर देगा, आपको पता ही है, पिछली वीडियो मैंने बता रखा है। उसके बाद देखिए पैराग्राफ है, यहाँ पे कॉलम में सेट कर सकते हैं, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, तो टेक्स्ट उसके लिए भी ज़्यादा होना चाहिए, इसमें भी बारे में मैंने आपको बताया था वर्ड में कॉलम के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका लाइन स्पेसिंग, तो यहाँ पे आपके कितने पे लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं, ये सब सारे कमांड हम आपको एक एक जो भी है यहाँ पे पावर पॉइंट में छूट रहे हैं। जब हम अपना अभी जब हम लोग स्लाइड बनाना सीखेंगे वहाँ पे, क्योंकि ये सब अभी होम मेनू का सब बेसिक क्लासेस चल रही है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए टेक्स्ट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे रखना चाहिए, अभी सपोज मैं माई व्यू है, इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे देखिए कैसा रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री पे करता हूँ, देखिए चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप जैसे करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं 270 डिग्री में। अब यहाँ पे बात करते हैं अलाइन टेक्स्ट लेब की, पहले टेक्स्ट डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल में करके सेट कर लेते हैं पहले जैसे। अब यहाँ पे क्या है कि आपका टेक्स्ट अलाइन टॉप में, देखिए टॉप में, मिडिल में, मिडिल में, ठीक है, बॉटम में, तो बॉटम में, तो हम बॉटम में नहीं, हम लोग करते हैं टॉप पे, देखिए टॉप पे आ गया। तो इस तरीके से आपका देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, शेप को। अब इसको हम लोग करते हैं मिडिल में, देखिए मिडिल में हो गया। तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, तो आपका टेक्स्ट जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए और स्मार्ट आर्ट में चेंज कर लीजिए, ठीक है।
या आप एक नई स्मार्ट आर्ट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ, एक स्लाइड ले लिया मैंने। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, होम पे आते हैं और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं कोई सा भी। चलिए मैं ले लेता हूँ, इसी को ले लेते हैं, ये बहुत इजी होता है। अब यहाँ पे मैं नंबर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी नंबर दे दिया मैंने, यहाँ पे नंबर दे दिया। अब इसमें जो भी कुछ लिखना है वो लिख सकते हैं। मैंने जैसे इस के बारे में मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारे चीज़ें आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं हम लोग पहले वाले पे चलते हैं। अब देखिए ड्राइंग में आते हैं, ड्राइंग में देखिए कई सारे शेप हैं। तो इसके लिए मैं एक यहाँ से न्यू स्लाइड ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी ब्लैंक लेता हूँ, लेआउट चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शेप ले सकते हैं। देखिए कई सारे शेप आपका बना हुआ है, जो भी शेप आपको लेना है शेप ले लीजिए। देखिए मैं इसको ले लिया, और भी कोई शेप लेना है तो और भी कोई शेप ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एक रेक्टेंगल ले लिया, सर्कल ले लिया, और भी कोई एरो ले लिया, ठीक है। कलर चेंज करना है, क्लिक करिए, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट मेनू आ जाती है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। एरो का भी कलर चेंज करना है, चेंज कर लीजिए। तो इस तरीके देखिए कलर भी चेंज हो गया। अब इसको उठा के देखिए ऊपर रखना चाहते हैं, ऊपर रख सकते हैं। तो इसमें अरेंज करना है, तो कहाँ पे करना है अरेंज, जैसे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको कह रहे हैं कि आप ब्रिंग टू फ्रंट, ऑलरेडी है, सेंड टू बैक, सेंड कर दीजिए। देखिए सेंड बैक चला गया, पहले वाले को सिलेक्ट कर लिए। अरेंज करना चाहते हैं, कहाँ पे अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट ऑलरेडी है, सेंड टू बैक कर दीजिए, देखिए सेंड बैक हो गया। तो इस तरीके से आप अच्छे से शेप लीजिए, डिजाइन बनाइए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बस एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक काम आपको करना अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्यूक स्टाइल, यानी क्यूक स्टाइल में आप यहाँ पे देखिए कैसा उसका स्टाइल चेंज करना चाहिए। देखिए ये मैं कर्सर जो है, ये जो सर्कल है इसको सेलेक्ट किया। अब क्यूक स्टाइल में यहाँ पर देखिए जैसे कोई आपका कलर देना चाहते हैं, इसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वो स्टाइल आप चेंज कर सकते। देखिए मैंने इसको अरेंज लगा दिया, या आपका स्टाइल चेंज हो गया इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पे है शेप फिल, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो कलर चेंज कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो आउटलाइन कलर लगाना चाहते हैं, देखिए आउटलाइन लगा दिया, देखिए पीला कलर का दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वेट में आते हैं, देखिए अब दिखाई दे रहा होगा आउटलाइन कलर, कलर चेंज करना है चेंज कर लीजिए। देखिए ब्लू लगाना है, ब्लू लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर एक बार देखिए, अरे यहाँ पे क्यूक स्टाइल में मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सिलेक्ट करें इफेक्ट, कैसा इफेक्ट देना है वो इफेक्ट आप लगा सकते हैं। तो ये आप कोई भी, मैं देखिए मैं इसको ले लेता हूँ, देखिए इफेक्ट चेंज हो गया। और भी कोई शेडो में लगाना चाहते हैं या ग्लो करना चाहते हैं तो ग्लो में ले लीजिए। तो देखिए मैं ग्लो में कर लिया, देखिए ग्लो हो गया, एक ग्लो में आपका चेंज हो रहा है इस तरीके से। उसके बाद देखिए फिर नाम पे आते हैं, यहाँ पे फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट एडिटिंग पे बात करते हैं।